आपको जैसे कि किसी स्कूल का रिकॉर्ड बनाना है, किसी ऑफिस का रिकॉर्ड बनाना है, किसी कंपनी का रिकॉर्ड बनाना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, किसी तरह का डाटा जो कि वो एक डाटा के फॉर्म में डाटा एंट्री करेगा। एंड और क्या चाहिए, सब पोजिशंस डील मोस्टली विद द टाइपिंग, उसमें आपको टाइपिंग चाहिए वर्ड में, एक्सेल में, पावरपॉइंट में। जो 46 है उसको हमने 16 कलियाँ डालनी है, अगर आपने 16 डालनी है, 20 डालनी है, आपको 20 अगर डालनी है 20 के साथ डिवाइड करना है, 16 डालनी है 16 के साथ डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके हमारा कितना आया 2.6। हाँ 2.6, यहाँ पे भी लगाया हमने 2.6 और यहाँ पे भी हमने यही लगाया, और ये रही नीचे खुली वाली साइड, ठीक है ना, ये रहा कवर वाला और ये रहा जो खुला है, ठीक है। तो जितनी भी आपने कलियां डालनी है, जितनी भी चाहे आपने 40 डालनी है, 50 डालनी है, हिप आपने देखना है कितना है, हिप के साथ डिवाइड कर प्लस करो पहले 2 या 3 क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, उसके बाद डिवाइड कर दो, सिंपल है ये, डिवाइड करो और लगा दो, जैसे हम कली वाला कुर्ता बनाते हैं वैसे ये भी है, इसमें से फिर 4 कलियां अलग निकाल के उसमें आसन का डाल के सिंपल ही है। समझ में आया सबको? जी मैम। जिसको समझ में नहीं आया वो बोल देना मेरे को। हम ब्राइडल को रेडी करने जा रहे हैं, आज आपको पता चलेगा ब्राइडल को एज पर उसके कॉल्पोजिशन के अकॉर्डिंग कैसे रेडी किया जाता है, ठीक है। आज इनकी बारात है, शी इज ब्राइड, ठीक है, आज इनकी बारात है, तो हम इसको रेडी कर रहे हैं, आपने देखना है कैसे रेडी करते हैं, फेस पे बेस कैसे देना है, आई मेकअप कैसे करना है, पूरा फेस का कंटोरिंग, हाइलाइटिंग, ब्लशर कितना करना है, डे के अकॉर्डिंग कैसे करना है, वो सब आपने सीखना आज, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आईब्रोज, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ऑल आर रेडी? इसका आईब्रो जो है वो इतना ज्यादा बुशी नहीं है, सब लाइट ही है, तो हम इसको ब्लैक और ब्राउन कलर यूज करेंगे, ठीक है। आईब्रो तो दोनों इक्वल है, अब हम क्या करेंगे, इसको आईज को कंसील करेंगे, ठीक है। हम लोग क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें तो वो सारा जो है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, कैसे, हमने आपको थ्योरी कराई, सारा आपको समझाया, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिया, वो भी आपको बताया कि कौन सी चीज कैसे करनी है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स क्या है, आपको पता
पता चला। फिर उसके बाद हमने आपसे करवा के भी देखा, फिर हमने बताया नहीं यहाँ पे आपके ड्रॉबैक्स ये हैं, यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हो, उसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना। फिर आपको पता चला, जब आपको सारा चीज़ें पता चल गया कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, फिर आपने क्या किया? आप उसको ठीक किया, प्रैक्टिस किया, बट आफ्टर सम टाइम आपने उसको छोड़ दिया, आपने उस काम को प्रैक्टिस में नहीं बनाया, आपने कोई नई चीज़ पकड़ ली, आपने उस पर ध्यान दिया, फिर आपको वो सिखाया। लेकिन जो पिछला वाला है वो आपका क्या हो रहा है, छूटता जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सारे जितने काम आपको यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं आपने उसको प्रैक्टिस में रखना है। उसका एक टाइम सेट करो, इस टाइम पे मैंने हेयर स्टाइलिंग करना है, इस टाइम पे मैंने मेकअप करना है, इस टाइम पे मैंने थ्रेड चलाना है, इस टाइम पे मैंने ब्लीच फेशियल करना है, नी वैक्सिंग करना है। मतलब आपने एक टाइम ड्यूरेशन खुद सेट करना है, अपना टाइम टेबल खुद। सबसे इजी और आसान क्या है, टेक योर सलाइवा एंड अप्लाई ऑन योर ओन पिंपल, लीव इट फॉर 5 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ। दिस इज द बेस्ट सिंपल एंड नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड वुमन विथ पिंपल्स। कहते हैं कि सबसे जो आसान तरीका है पिंपल्स को ठीक करने का वो क्या है, हमारा सलाइवा। जहाँ पे हमें पिंपल होता है वहाँ पे हमें क्या लगाना है, सलाइवा। ठीक है, तो ये मैन और वुमेन दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, कब तक लगा के रखना है, 5 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कीप द स्किन क्लीन बाय अप्लाइंग क्लींजिंग मिल्क एंड बेबी जॉनसन लोशन 3 times a day एंड फॉलो देम बाय यूजिंग द फेस। कहते हैं हमें एक दिन में कम से कम 3 बार अपना फेस को वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों कैसा मेकअप होता है, न्यूड मेकअप होता है, ये मेकअप दिखता नहीं है। एक मेकअप होते हैं जो बहुत दिखते हैं, ये मेकअप दिखता नहीं है, ऐसा लगेगा नेचुरली आपके जो चीक्स हैं वो ब्लशर हैं, आपके जो लिप्स हैं ऑलरेडी पिंक हैं, आपकी जो आईज हैं वो ऑलरेडी पिंकिश हैं। ठीक है, तो ऐसा मेकअप सबको अच्छा लगेगा, ऐसा मेकअप हर कोई चाहेगा, चाहेगा ना। आप लोगों को नेचुरल लगना अच्छा लगता है या फिर ओवर नेचुरल? तो आज हम नेचुरल मेकअप करेंगे, वो मेकअप आप खुद भी कर सकते हो अपने पे, जब आप किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जा रहे हो एज अ स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट्स। हमारे पास ये यूपीएस है, लुमिनस कंपनी का यूपीएस है, 1000 BA/800W का यूपीएस है। इसके साथ हमारी अपाया कंपनी की बैटरी है 12 वोल्ट 26 AH की, ये तकरीबन 12 वोल्ट की, ये कह दो 3 पीस हमारे 36 वोल्ट बनेगा। अब हमें इसे इंस्टॉल करते हैं, ये दिखाते हैं आपको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। आपस में कनेक्ट करेंगे, इनकी वोल्टेज 36 वोल्टेज बनेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैटरी का कोई भी एक ले लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी पॉइंट ले लेंगे। जैसे हमने ये नेगेटिव लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया, फिर इस बैटरी को क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव है इसको इंटरचेंज करेंगे ताकि नेगेटिव यहाँ आ जाए, नेगेटिव यहाँ आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर दोबारा आगे नेक्स्ट को नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया। जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, हमारा नेगेटिव पॉइंट एक ये रहा, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होगा, लास्ट में हमारा एक पॉजिटिव निकला एक नेगेटिव निकला, जो कि हमने यूपीएस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, केबल कनेक्ट कर दी है, उसके बाद जो मेन केबल्स हैं एक नेगेटिव पे और एक पॉजिटिव पे, ये भी लगा दी, ये करीब 36 वोल्ट बना है। इसे हम मीटर से अभी चेक भी कर लेते हैं,
ठीक है 36.4 वोल्टेज आ गया हमारा। अब हम इसे यूपीएस पे कनेक्ट करेंगे, यूपीएस पे कनेक्ट करने के बाद इसका हम एक स्विच ऑन करेंगे। ऑन होने के बाद हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। अभी हम इसे एसी मोड पे लाते हैं, जैसे कि एसी मोड पे लाया, अभी एसी मोड पे ला के आउटपुट अभी चेक करेंगे पीछे। बैटरी ऐड ऑन क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन जो अपने डिजाइन से बनी गई होती है, तो अगर ये 36 वोल्टेज का डिजाइन किया है तो 36 की बैटरी ही लगेगी, इसमें हम चौथी नहीं लगा सकते। लगाएंगे इसमें सर्किट में प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ आ गया? अच्छा।